मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब एक के बाद एक फिर से लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं। दो लो प्रेशर एरिया रहेंगे, यानी कि एक पश्चिमी तट पर रहेगा, एक पूर्वी तट पर रहेगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया है, ट्रफ रेखा इस तरह से आ रही है। तो जो बारिश की गतिविधियां थी, लेकिन अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने की संभावना है, खास करके महाराष्ट्र तेलंगाना इन इलाकों में। आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी उत्तरी महाराष्ट्र जो नासिक मालेगांव जलगांव है वहां से लेकर के अकोला अमरोती गोंडिया वाशिम वर्धा भंडारा ये सारे इलाकों में, और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में रायपुर रायगढ़ दुर्ग राजनांदगांव जगदलपुर वगैरह इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। ये मध्य भारत से हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां कल से बढ़ेंगी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और तेलंगाना विदर्भ ये सारे इलाके 17 तारीख से यानी कि फिर से बारिश देखेंगे। 17 और 18 तारीख को यहां पर बारिश बढ़ेगी, उसके बाद कम हो जाएगी क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून तरफ उत्तर में चली जाएगी। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नीमच रतलाम धार खांडवा खरगोन अलीराजपुर बरवनी ये सारे इलाके देवास सियोनी और जबलपुर कटनी उमरिया दमोह ये सारे इलाके जो है बैतूल होशंगाबाद वगैरह लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। बहुत ज्यादा भारी बारिश अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगी, लेकिन 17-18 तारीख से बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यानी कि आप कह सकते हैं कि सीधी सतना पाना पन्ना सिंगरौली और बरवनी के साथ साथ ये बरवनी नहीं यहाँ पे जो टीकमगढ़ है उमरिया दमोह और गुना सागर ये सारे इलाकों में जबलपुर कटनी मांडला ये जो इलाके हैं और नरसिंहपुर बैतूल होशंगाबाद ये सारे छिंदवाड़ा इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में तेज बारिश होगी, 17-18 को होगी। 18 तारीख को इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। विदर्भ के भी कई इलाकों में 17-18 तारीख में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। बाकी जो इलाके हैं उस इलाके में बारिश कम हो जाएगी और जो गुजरात है वहां धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होने लग जाएंगे। और जो मान लीजिए 18 तारीख से हम कह सकते हैं कि बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी और अगले दो दिनों तक लाइट रेन मॉडरेट शावर्स जो साउथ गुजरात है कच्छ के इलाके हैं इस इलाके में रह सकती है। और उसी तरह से आज हमें उम्मीद है कि पंजाब प्रांत से लेकर के सिंध और बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश होगी और 17 तारीख को कम हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि काफी दिनों से बारिश हो रही थी पाकिस्तान में, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, राहत है बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लिए। तो ये तो बात हुई यहाँ की। अब हम उत्तर भारत की तरफ अगर चलते हैं तो अब क्या है कि जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और हिमाचल और उत्तराखंड इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और एक तो हैवी स्पेल हो सकता है। लद्दाख में बारिश कम रहेगी। ये 18 या 19 तारीख तक जो है पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तरी राजस्थान इस इलाके में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेगी, यानी कि पैची रेन रहेगी। लेकिन 19 तारीख को हमें उम्मीद है कि जो मध्य और पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, ये जो इलाके हैं मैं आपको दिखाता हूं, ये जो इलाके हैं यहां से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और इस इलाके में ये पूरा इसको कवर करते हुए यानी विदर्भ का कुछ इलाके को कवर करते हुए ये बारिश की गतिविधियां आएंगी और यहां तक रहेंगी। और उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ये जो इलाका है ये पूरा अच्छी बारिश देखेगा। यहाँ पर ये है 19 तारीख की बारिश, यानी 19 तारीख को इस इलाके में जो बहुत दिनों से सूखा था वहां बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हम कह सकते हैं कि ये बारिश जो है आपकी 20 तारीख से पंजाब हरियाणा ये सारे इलाकों को कवर करेगी और ये राजस्थान के कई इलाकों को कवर करती मध्य प्रदेश को कवर करती हुई ये पूरे इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा सा पैन धीरे चल रहा है, ये सारे इलाके यानी ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी दिनों के बाद बढ़ेंगी और मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली गिरने की संभावना भी जरूर हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा बचाव करने की जरूरत है। और जब भी बिजली का गिरने की संभावना होती है तो जो हमारे किसान भाई हैं वो सबसे ज्यादा उनको नुकसान होता है कि वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, खुले में काम करने से क्या होता है कि जो बिजली जब गिरती है तो जो 100 मीटर 150 मीटर के जो दायरे में अगर जो सबसे ऊंची चीज होती है उसके ऊपर बिजली गिरती है। अगर खेत में फसल नहीं है, आप अकेले 2-4 किसान हैं 5 किसान हैं या जो आपका परिवार है तो वो सबसे ऊंची वस्तु दिखेगी तो बिजली वहां गिर सकती है आपके ऊपर। इसलिए अगर तेज बारिश शुरू हो जाए और बादलों में गरज और चमक शुरू हो जाए तो आप उस जगह से हट जाइए कुछ देर के लिए, मतलब 1-2 घंटे का एपिसोड होता है,
और यह अगर वही है तो बहुत नीचे होके झुक करके बैठ जाइए। पेड़ के नीचे आप बिल्कुल न खड़े हों, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर आप खड़े होते हैं तो पेड़ सबसे ऊंची चीज होती है, उसके ऊपर अगर बिजली गिरती है तो आपको नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मवेशियों को भी बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि वो निरीह होते हैं, उन्हें नहीं पता होता और उनके ऊपर बिजली गिरने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जा रहे नोहरे में या जो इसको गाँव में नोहरा कहते हैं, कुछ गेंद कहते हैं, तो वहां पर रखें, पेड़ के नीचे न बांधें, जिससे उस समय भी उनके काफी नुकसान हो सकता है। किसी अच्छी जगह पर जहां पर थोड़ा सा सिक्योर है जगह, अंदर उसको बांधें जहां पर कि बिजली के जो अर्थिंग वगैरह है, और जब ये सारी चीजें समाप्त हो जाए, यानी कि गरज चमक जब समाप्त हो जाए, तब आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। और इससे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें ये सभी लोगों को आप बताएं जिससे कि वो सब लोग अपने आप बचाव कर सकें ऐसे समय में। और जो नल वगैरह है उसको न छुएं, क्योंकि जो बिजली है वो प्लम्बिंग लाइन के साथ साथ भी आकर के आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, यानी कि फ्रिज है, टीवी है, ये सारे जो है उसके प्लग निकाल दें, क्योंकि जब बिजली तार के ऊपर गिरती है तो उससे भी आपके इन चीजों को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजों का जो प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि पूर्वी भारत में अब बारिश की दुनिया जारी रहेगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी, यानी लखनऊ, कानपुर से लेकर के गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और उसी के बाद गोंडा, बस्ती और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, रायबरेली और ये सारे इलाके में अच्छी बारिश है। लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ये नोएडा वगैरह, इनको इंतजार करने को पड़ेगा 20 तारीख तक। हालांकि 19 तारीख को भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और उसी तरह से बिहार के ज्यादातर इलाके, झारखंड के ज्यादातर इलाके काफी दिनों के बाद बारिश देखेंगे। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अगर हम चलें तो दक्षिण भारत में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अगर देखते हैं तो जो पश्चिमी तट है वो अभी भी बारिश देखेगा। महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक कई इलाकों में तेज बारिश होगी, यानी कि बेलगावी, बेंगलुरु, कारवार, होनावार, ये जो इलाके हैं, और कोझिकोड़े, कोच्चि, ये जो कन्नूर वगैरह, ये सारे तिरुवनंतपुरम, इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। लेकिन आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। लक्षद्वीप में छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहने वाली है, कई इलाकों में तेज बारिश होगी। जो वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स वगैरह इस समय नहीं हो पाएंगे अगर तेज बारिश होती है, समुद्र थोड़ा सा उग्र होता है तो। लेकिन बाकी आप सारा एंजॉय वहां पे जाकर कर सकते हैं। गोवा में भी जो वाटर स्पोर्ट्स है वो इस समय बंद होंगे, क्योंकि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन इस समय मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के साथ साथ आपका मौसम जो है वो थोड़ा सुहावना बना रहेगा, तो ये सारे इलाके टूरिस्ट प्लेस के लिए, लक्षद्वीप वगैरह, ये सारे इस समय काफी अच्छे बने हुए हैं। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।